आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। बीते माह 23 सितंबर को जिला मुख्यालय के समीप एक मेडिकल शॉप से चेन स्नेचिंग की वारदात हुई थी, जिसका सीसीटीवी में बकायदा महिला से चेन छीन भागते हुए अपराधी दिख कैद हुआ है। ये घटना पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और गुडवर्क ने छात्र को पकड़कर घटना का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि ये लोग चेन छीन कर दुकानों पर कम दामों में बेच देते थे। थाना सिद्धार्थ नगर में एक घटना 23 नवंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें मेडिकल स्टोर में खड़ी एक महिला की चेन तोड़ के दो लोग अपाचे सवार मोटरसाइकिल को थे, दो लोग भाग गए थे। उसी में पुलिस उस घटना के अनावरण में तभी से लगी हुई थी। इसमें एसओजी की टीम हमारी कार्य कर रही थी। इसी घटना का आज अनावरण हुआ है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था, जिसका सीसीटीवी फुटेज में भी फोटो आया था और जो वादिया है, जो पीड़िता है, उसने उसे पहचाना भी है और अभियुक्त ने खुद स्वीकार भी किया है जो घटना उसने की थी चेन तोड़ने की, उसको गिरफ्तार पुलिस ने किया है। और इसका एक साथी, जो इसका दूसरा साथी मोटरसाइकिल पर था, वो भागने में कामयाब रहा है। मोटरसाइकिल पुलिस को बरामद हुई है जो घटना में प्रयुक्त थी, और जो चेन को बेचने के बाद इन्होंने जो पैसे थे इनके पास में, उसमें से 18,400 रुपया बरामद हुआ है, मोबाइल फोन इनका बरामद हुआ है। पकड़े गए छात्र के पास 18,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। अभियुक्त गोविंद राजभर के आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसके गोरखपुर सहित कई जिलों में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मानकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सिद्धार्थ नगर से अमर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।